All right, the breaking news coming in. A child has been killed and 18 children have been hospitalized in Chandigarh after a tree fell on two parked school buses. The children were eating lunch under the tree. चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर आज सुबह जब लंच ब्रेक था उस दौरान एक बड़ा पेड़ जो है वो नीचे गिर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे यहाँ स्कूल से हम दिखा रहे हैं कि ये एक बहुत पुराना पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और बताया जा रहा है कि एक घंटा पहले करीब 11:30 बजे जब लंच ब्रेक चल रहा था तो कुछ बच्चे इसी पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ये पेड़ जो है टूटकर ज़मीन पर गिरा, जिसके नीचे करीब एक दर्जन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो दब गए हैं। करीब 16 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। एक बच्चे की जो हालत है वो बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी जो घायल बच्चे हैं उनको सेक्टर 16 हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और एक बच्चे को PGI में भी ले जाया गया है। कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि क्या जानकारी मिली है। सर, कैसे आपको पता लगा कि ये घटना हुई है और क्या जानकारी अभी यहाँ पर मिल पाई है? सर, हमें तो फ़ोन आया था अभी, ऐसे ऐसे बच्चों को पेड़ गिरा स्कूल में, तो वी जस्ट इमीडिएटली केम देयर। तो वो उसके बाद हम 16 हॉस्पिटल गए, यहाँ से पता किया अभी 16 बच्चे एडमिट हैं। तो 16 हॉस्पिटल में गए, वहाँ 16 हॉस्पिटल में देखा तो 15-16 बच्चे वहाँ एडमिट थे। तो फॉर्चुनेटली बच्चा हमारा ठीक था, वहाँ नहीं था। तो 9th to 11th या 12th के बच्चे हैं, उनको थोड़ी थोड़ी चोटें लग रही हैं, वो दे आर जस्ट मतलब अंडर ट्रीटमेंट। और बाकी एक बच्चा इशिता नाम है गुड़िया, उसको शी हैज़ बीन रेफर टू PGI। वो ज़्यादा सीरियस है? आई थिंक सो, मतलब सीरियस है तभी उन्होंने रेफर किया। आप हॉस्पिटल भी गए थे क्या? नहीं, मैं 16 हॉस्पिटल में गया। अच्छा, वहाँ कितने बच्चे हैं? वहाँ अराउंड 15 to 16, 15-16 बच्चे। 15-16 बच्चे वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या यहाँ कोई मैनेजमेंट से बात हुई, कैसे घटना हुई, क्या? मैनेजमेंट इज नॉट डिस्क्लोज, मैनेजमेंट कुछ नहीं बता रही किसी को। हाँ, वो कह रहे हैं जस्ट मतलब जो बच्चे सेफ हैं वो लिस्ट पड़ी है उनके पास 16 में, और ये पेड़ गिरा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ओके, देखते हैं लड़की क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 15 से 16 बच्चे यहाँ सेक्टर 16 का जो हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, वहाँ एडमिट कराए गए हैं। इसके अलावा एक बच्ची इशिता, जैसा कि एक पेरेंट्स बता रहे हैं कि उनको PGI में भी ले जाया गया। और आप देखेंगे इस वक्त जो पेरेंट्स हैं उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है, जैसे ही सूचना मिल रही है वो अपने अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये स्कूल का गेट है, ये बेहद चंडीगढ़ का प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो पुलिस है वो भी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि पेरेंट्स जैसे ही सूचना मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, क्या हुआ, क्या था, कितने बच्चे इंजर्ड हैं? सर अभी पता नहीं, अभी रुक जाओ, कोई इनिशियल जानकारी तो देंगे सर, कैसे हुआ, क्या हो रहा था? हेलो, जाने जाने मैं कौन कौन है अंदर, मैम बताएंगे जरा क्या हुआ? देखिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी रही है। सर, आपका भी बच्चा है? बच्चे है, कोई बात नहीं, आ गए बच्चे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही पेरेंट्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको वो चिंतित हैं, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनका बच्चा है या सुरक्षित है कि नहीं। सर, आपका भी कोई बच्चा यहाँ पर है? हाँ जी, नवजोत कौर। अच्छा, क्या बताया स्कूल की तरफ से, क्या बताया जा रहा है? अभी स्कूल वाले बच्चों को दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके ना, क्लास वाइज क्लास दे रहे हैं। क्या पता लगा आपको, क्या क्या घटना हुई? घटना कुछ नहीं, बस वही ट्री टूटा है और कुछ नहीं। आपका बच्चा सेफ है? हाँ, सेफ है जी। चिंतित है कि इतनी बड़ी घटना? नहीं, हाँ, उससे मुझे चिंता तो है कि बच्चों को इतना ज़्यादा हुआ है नुकसान का, किसी भी बच्चे को जो भी हुआ है, चाहे हमारा बच्चा है चाहे किसी और का बच्चा है, चिंता सबके बच्चे की होती है। ओके, ये स्कूल का गेट है बंद कर दिया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया, क्योंकि जैसे ही पेरेंट्स को सूचना मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक बड़ी घटना हुई है, करीब 16-17 बच्चे इस घटना में घायल हुए हैं और एक बच्चा जिस जो कि लड़की है इशिता, 9वीं से 11वीं कक्षा ज़्यादातर छात्र थे, वो इस पेड़ के नीचे दबे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें किस तरीके से, अभी भी जो टूटा हुआ पेड़ है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। बाकायदा दो स्कूल की जो बसें हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। बड़ा पेड़ जो है टूटकर यहाँ पर गिरा है, देखिए किस तरीके से, जो तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि
बड़ा पेड़ टूटा और सीधे ये दो स्कूल की जो बसें हैं वो इसके नीचे दब गई हैं। देखिए किस तरीके से